दोस्तों, आपने कई ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिनमें भूत प्रेत के बारे में जिक्र किया होगा। हॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिनको सच्ची कहानी पर आधारित बताया जाता है, लेकिन आपको वो सच्ची कहानी नहीं पता है जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होंगी उनमें सभी असली नहीं होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में रखना नहीं चाहता है। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। हो सकता है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा या सुना होगा, लेकिन कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और ही है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से बहुत अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुवेल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच तो ये है कि बेहद रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा कि दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुवेल ने बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेगड़ी एंड स्टोरीज नाम की एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुवेल को अपने घर के वैकआउट में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को उस डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो रेगड़ी एंड स्टोरीज लिखने का आइडिया आया, पर दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में मार्सेला की मौत हो गई। मार्सेला की मौत के बाद जब रेगड़ी एंड स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पे छापा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था, पर हैरानी की बात ये थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिसे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। मार्सेला ने इसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश की थी लेकिन उसका पता नहीं चला, और फिर एक दिन वो असली डॉल एंटिक शॉप में मिली। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम डोना था, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी, लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीजें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नजारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट को बुलाया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि गुड़िया पर किसी राक्षसी आत्मा की ताकत है। फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट ने घर में एक तंत्र मंत्र जादू किया और गुड़िया को वहाँ से ले गए, लेकिन गुड़िया को वहाँ से दूर ले जाते समय उन्हें रास्ते में कई असुविधाओं का अनुभव हुआ। गुड़िया ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, फिर वो बड़ी मुश्किल से अपनी मंजिल तक पहुँच पाए और उस गुड़िया को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया। बताया जाता है कि इस गुड़िया के पास किसी को जाने नहीं दिया जाता है और ना ही किसी को इसे छूने की इजाजत है। इस गुड़िया पर एक्सपर्टों ने जादू मंत्र करके इसे बॉक्स में बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।